आज रात के 8 बजे तक, ठीक है, ये कर सकते हो। 8 ठीक है, 8 PM ठीक है, या 10 करूं बताओ, जरा कमेंट कर दो जल्दी से। सर कर लो 9 कर सर, दिया, 9, 10 हाँ चलो ठीक है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग मैंने 10 PM कर दिया, लेकिन ये हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब डिस्कशन की तरफ। नाम मैं आपको ग्रुप पर डाल दूंगा या सर डाल देंगे, ठीक है, उन लोगों को भेजना है। तो 1 to 10 हमारे पास जो क्वेश्चंस थे, सभी लोग देख रहे हैं, बैच 1 और बैच 2 कंबाइंड हो चुका है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन का सब्जेक्टिव असाइनमेंट लेवल 1। और लेवल 1 में हमारे पास इतने सारे डाउट्स आ गए हैं, मुझे नहीं पता ये क्यों आए हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल से है। थर्ड वाला जो क्वेश्चन था वो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। थर्ड में हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एनर्जी एनर्जी दी हुई है वैन डर वाल के अकॉर्डिंग -a^6 b/r^12, और r क्या है मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन। तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है a का और b का। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ये सिंपल सा बनेगा, डायमेंशन ऑफ एनर्जी इंटू r^6, और ये बनेगा डायमेंशन ऑफ एनर्जी इंटू r^12। तो एनर्जी की डायमेंशन हो जाएगी ml²t-2, और इसकी डायमेंशन हो जाएगी l^6, ये हो जाएगी ml²t-2, ये बन जाएगी l^12। आई थिंक ये दोनों चीजें क्लियर है, ठीक है। मैं यहाँ रुकूंगा 7 सेकेंड्स, किसी का अगर कोई कमेंट आया तो समझाऊंगा उसको। आई थिंक ये चीज क्लियर है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 की बात अगर मैं करता हूं, क्वेश्चन 4, ड्राइव द बाय मेथड ऑफ डायमेंशन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी जो डिपेंड करती है मास, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पर। तो एनर्जी मास पर डिपेंड कर रही है, मास की पावर एक्स मान लेते हैं। लेट द एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन मास एज m^x डिपेंडेंट ऑन एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की पावर वाई, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, और एम्पलीट्यूड की पावर जेड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एक तरीके से लेंथ होती है, ठीक। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम, और मास तो मास है, ये तो पता ही है तुम्हें। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी दैट शुड बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m^x फ्रीक्वेंसी की पावर वाई एम्पलीट्यूड की पावर जेड। तो डायमेंशन फॉर्मूला ml²t-2 ये एनर्जी का हो गया, मास की पावर एक्स, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा टी की पावर -y हो जाएगी, और एम्पलीट्यूड हो जाएगा l^z। तो यहां से कंपेयर करोगे तो एक्स की पावर 1, वाई की पावर कितनी हो गई 2, और जेड कितना हो गया 2 हो गया। यानी एनर्जी जो बनेगा फॉर्मूला वो समथिंग कांस्टेंट, एम की पावर 1, वाई की पावर 2 यानी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, और जेड की पावर 2 यानी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। किसी को कोई डाउट, यहां पर रुकूंगा मैं 10 सेकेंड्स। छोटा सा क्वेश्चन, अगर क्लियर है तो यस करो, नो डाउट। चलो वेरी गुड हर्ष, तनिष, किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछना। हेलो सर, क्वेश्चन नंबर 2 करवा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, चलो। हेलो बहुत देर सर, से पूछ रहे हो। हाँ सर, ये यहाँ पे जो v था, इसकी इसकी आपने ये क्या लिखे डायमेंशन, टाइम की पावर -1, v की डायमेंशन होगी t की पावर -1। यस सर, हाँ ओके सर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछ रहे हैं बहुत टाइम से, देखते हैं जरा क्या है। डायमेंशन ऑफ मास बताना है, मास की डायमेंशन बतानी है जो कि डिपेंड करेगा वेलोसिटी पर। तो मान लिया v^x पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो मान लिया t^y, और किस पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पर, तो मान लिया फोर्स की पावर जेड, ठीक। इसको हटाऊंगा तो कांस्टेंट, वेलोसिटी की पावर एक्स, टाइम की पावर वाई, फोर्स की पावर जेड। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास कंपेयर करेंगे, ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा के, और इसकी डायमेंशन lt-1 की पावर एक्स, ये हो जाएगा t^y, फोर्स क्या हो जाएगा ml²t-2 की पावर जेड। इधर से कंपेयर करोगे तो
मास की पावर क्या बन रहा है, जेड, एल की पावर जेड और एक्स दोनों आ गए तो जेड प्लस एक्स, टी की पावर यहां से भी आएगा माइनस एक्स, यहां से भी आएगा प्लस वाई और यहां माइनस टू जेड, और यहां मास की पावर वन है बाकी सबकी पावर जीरो है। इक्वेशन बना दो तो जेड की वैल्यू वन आ जाएगी, जेड प्लस एक्स की पावर जीरो आ जाएगी, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड की पावर जीरो आ जाएगी। तो जेड की वैल्यू वन है तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन, और एक्स की वैल्यू वन है तो यहां रखूंगा माइनस वन है तो यहां वन, वाई की वैल्यू जेड की वैल्यू कितनी है वन तो ये माइनस टू इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू भी वन आ गया। यानी मास जो है वो कैसे बनेगा, कॉन्स्टेंट एक्स वी की पावर माइनस वन, टाइम की पावर वन और फोर्स की पावर वन, सिंपल सी चीज सर। हाँ सर, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है जब हम पहले से जानते हैं एफ इक्वल टू एम ए का रिलेशन। बिल्कुल बिल्कुल सही है, मैं तो बोल ही रहा हूँ, ये सब चीज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ चुके हो, तो ये चीज जो तुम निकालते हो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यहाँ से भी कर सकते थे, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन इक्वल टू मास, और एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो टाइम ऊपर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा फोर्स इंटू टाइम वी की पावर माइनस वन, यही तो चीज ये बन रही है। कॉन्स्टेंट यहां पर अगर देखें तो वन है लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन की मदद से वन नहीं बोल सकते, ये तो हमें क्यों हट जाएगा कॉन्स्टेंट सर, क्योंकि डायमेंशन में कॉन्स्टेंट जीरो नहीं होगा सर। अरे हमें सिर्फ डायमेंशन से मतलब है क्या, तुम्हें फॉर्मूला पता है क्या, एम इज इक्वल टू क्या आ रहा है फोर्स इंटू टाइम अपॉन वेलोसिटी इंटू कॉन्स्टेंट, ये डायमेंशनल इक्वेशन है, दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन नॉट द फॉर्मूला, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला होता तो हमें कॉन्स्टेंट की वैल्यू पता होती। ठीक है चलो हटा रहा हूं मैं इस चीज को, क्लियर है या कुछ पूछना है, तो पूछना है तो फिर जल्दी से पूछो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल इस फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे मेथड से, मैं तो ये वाला मेथड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ चुके हो। कॉमन सेंस के क्वेश्चंस है कुछ, इसके बाद क्वेश्चन फोर हो गया, देन क्वेश्चन नंबर सिक्स। अज्यूमिंग दैट मास ऑफ द लार्जेस्ट स्टोन दैट कैन बी मूव्ड बाय अ फ्लोइंग रिवर डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ आर, मतलब वेलोसिटी आर डेंसिटी रो, तो जो मास है स्टोन का वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया है आर से, आर इज द वेलोसिटी, यह याद रखना, इसकी पावर एक्स ले ली, डेंसिटी रो, इसकी पावर वाई ले ली और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की पावर जेड ले लिया। रो क्या है, रो इज द डेंसिटी, जी क्या है एक्सेलरेशन, तो अगर मैं प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो कांस्टेंट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे दोनों का बराबर करना है। मास जो है वो सिक्स्थ पावर पर डिपेंड करेगी वेलोसिटी के, तो हमें ये चेक करना होगा, तो देखते हैं जरा वेलोसिटी की पावर सिक्स बन रही है या नहीं। तो वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन की पावर एक्स, डेंसिटी की डायमेंशन एम एल माइनस थ्री मास अपॉन वॉल्यूम इसकी पावर वाई, एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू की पावर जेड, और ये बनेगा एम एल जीरो टी जीरो मास की पावर वन। तो आई थिंक अब ये तुम्हारा हो जाना चाहिए, एम की पावर वाई बनेगा अकेला, एल की पावर बनेगा एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड और टी की पावर बनेगी माइनस एक्स माइनस वाई माइनस टू जेड। कंपेयर कर दो इससे तो y की वैल्यू 1 आ गई, x माइनस थ्री वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो आ गया, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस टू जेड
ये भी जीरो आ गए। तो y की वैल्यू अगर वन इसमें रख दूंगा तो x प्लस z की वैल्यू थ्री मिल जाएगी, ठीक है, और यहां पर भी रख दूंगा y की वैल्यू वन तो x माइनस टू जेड इक्वल टू वन, यानी x प्लस टू जेड की वैल्यू माइनस वन। ये इक्वेशन टू, दिस इज इक्वेशन थ्री। x और z को सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से इसको, तो थ्री में से जब टू को माइनस करोगे तो z की वैल्यू मिलेगी तुम्हें माइनस फोर। सर ये t की वैल्यू में माइनस एक्स माइनस वाई माइनस टू जेड, माइनस एक्स और माइनस टू जेड ही आएगा। अच्छा माइनस वाई नहीं आएगा, बिल्कुल सही है, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया, माइनस वाई नहीं आएगा, माइनस एक्स माइनस टू जेड अकेला आएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही है। तो x इक्वल टू माइनस टू जेड, तो इन दोनों इक्वेशनों से, थर्ड और सेकेंड इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, x की वैल्यू माइनस टू जेड रख देता हूं तो यहाँ माइनस जेड इक्वल टू थ्री बनेगा, तो z इक्वल टू माइनस थ्री। ये हमने कौन सी इक्वेशन ली, थर्ड और सेकेंड। तो z की वैल्यू माइनस थ्री आ गई, y की वैल्यू वन आ गई, x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, प्लस सिक्स। तो हमें वही चाहिए था, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, सिक्स, यानी जो मास है वो वेलोसिटी की पावर सिक्स पर डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई डाउट इसमें, क्लियर है, नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सारे क्वेश्चन मुझे होमवर्क में चाहिए, ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेवन, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में डेंसिटी दी हुई है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 8 ग्राम सेंटीमीटर की पावर माइनस थ्री। ये कौन सा सिस्टम है, सीजीएस। और एक अदर यूनिट सिस्टम है, उसमें हमें जो वैल्यूज है वो बदल दी, उसने बोला यूनिट लेंथ की यूनिट जो है, लेंथ की यूनिट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो मास की यूनिट है वो 20 ग्राम। तो हम जानते हैं कन्वर्जन के लिए क्या करना होता है, कन्वर्जन क्या करते हैं हम, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ये करते थे, ठीक। तो n1 कितना है यहां पर, 8 ग्राम, सो n1 u1 क्या है, ग्राम सेंटीमीटर की पावर माइनस थ्री इक्वल टू n2 क्या है हमें नहीं पता, लेकिन u2 पता है, u2 पता है कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर मैं ये कहूं कि u2 मेरा है l और ये है m, तो यूनिट्स की बात करें तो l की पावर 1 आएगा और मास की पावर, सॉरी मास की पावर 1 और l की पावर माइनस 3। इस चीज को समझेंगे, कोई भी यूनिट्स अगर हम यहां पर यूनिट ऑफ डेंसिटी देखें तो यहां यूनिट ऑफ डेंसिटी कैसे बनेगी जो नई वाली है, तो अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं डेंसिटी का, तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल माइनस थ्री, ठीक है। तो चलो यहाँ यहां पी नाम दे देता हूं, यहां क्यू नाम दे देता हूं। तो यूनिट ऑफ डेंसिटी अगर हम देखें तो यहां पर मास की जगह क्या बनेगा, पी, ये लेंथ है, मास की जगह बनेगा q और लेंथ की जगह बनेगा p, तो ये बनेगी नई यूनिट qp माइनस 3, तो ये नई यूनिट qp माइनस 3। तो अगर मुझे n2 निकालना है, n1 की वैल्यू 8 पता है, तो मैं ग्राम अपॉन q और सेंटीमीटर अपॉन p इसकी पावर क्या करूंगा, माइनस 3, और ये बनेगा n2। तो ग्राम और क्यू क्या रिलेशन है, ग्राम और क्यू में क्यू इक्वल टू 20 ग्राम, तो ग्राम अपॉन 20 ग्राम, क्यू को कितना लिख दिया मैंने 20 ग्राम सेंटीमीटर, और पी की जगह क्या लिख दूंगा 5 सेंटीमीटर, तो ये बन गया n2। यहां से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे
तो कितना बनेगा 8, ये ऊपर जाएगा 5 की पावर माइनस 3 है ना, तो 5 की पावर 3 बन जाएगा और डिवाइड बाय 20, तो इधर लिख देता हूं यहां पर 8 तो यही था, डिवाइड बाय 20 आया, 5 की पावर कितनी है माइनस 3, तो ऊपर जाएगा 5 तो बन जाएगा 125 और ये बनेगी नई वाली यूनिट N2। तो ये कितना आ जाएगा भाई 5 25 जा 5 4 जा 4 2 जा 8, कितना हो गया 50, N2 की वैल्यू आ गई 50। बिल्कुल सेम था, कोई बात नहीं, ये किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ये चीज मैंने सिंपल सी बताई हुई है। नई वाली यूनिट ये है, चलो 7th क्वेश्चन के बाद हम आते हैं 9th क्वेश्चन पे। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन अगर दे दिया है 79 पर सेंटीमीटर और इसको कन्वर्ट करना है एमकेएस सिस्टम में, कन्वर्ट करो एमकेएस सिस्टम में, तो एमकेएस सिस्टम में अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि 1 डाइन बराबर कितना होता है 10 to the power -5 न्यूटन और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 to the power -2 मीटर। तो मैं इसको यही लिख सकता हूं, 79 की जगह क्या लिखूंगा 10 to the power -5 न्यूटन और सेंटीमीटर की जगह लिख दूंगा 10 to the power -2 मीटर। तो ये क्या बनेगा 70 × 10 to the power -3 न्यूटन/मीटर। तो इसको लिख सकते हैं 7 × 10 to the power -2 न्यूटन/मीटर। कोई दिक्कत किसी को पूछ सकता है, क्लियर है? सर बोर्ड क्लियर नहीं है। आंसर वर्क एंड एनर्जी देखते हैं सर, बोर्ड क्लियर नहीं है सर। क्या सभी के साथ ऐसा हो रहा है, सभी के साथ? यस सर। एक मिनट रुको, बताओ मुझे क्लियर है? नो सर अभी भी नहीं आ, रुको जरा। अब बताओ। नो सर नहीं सर, आपकी नेटवर्क बहुत कम आ रहे हैं। क्या हो रहा है? नेटवर्क की तो बात ही नहीं है यार, यहाँ पर वाईफाई चल रहा, बगल में ही रखा है। अब बताओ जरा। नो सर। अरे दिक्कत है, हो सकता है सर हमारे ही नेटवर्क सही नहीं आ रहे हो। सर लीव करके दोबारा डाउन कर लो सर। नहीं हाँ देखता हूँ अभी मैं, एक मिनट और रुक जाओ जरा। सभी के साथ हो रहा है ना ये प्रॉब्लम? यस सर। एक मिनट रुको जरा, मैं सही करता हूँ इसको फटाफट।
आप बताओ। नहीं हुआ सर। नो सर। नहीं सर, कुछ भी सर वैसा ही है बिल्कुल। क्या हो गया यार, एक मिनट। सर वीडियो भी स्टॉप हो गई अब तो। हुआ कुछ? नो सर। अब तो सही हुआ होगा यार। नहीं सर, नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। अरे यार, अभी भी नहीं हुआ, ये क्या बात हो गई। दोबारा जॉइन कर लो सर। हो गया सर, हो गया। अब हो गया? चलो। यस सर, हो गया। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब विदाउट टाइम बर्बाद किए हुए आगे बढ़ते हैं हम, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10th, जिसमें आंसर आ रहा है नेम अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा वो एल और एम एल टी माइनस टू का बनेगा। ठीक है, तो ये बनेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ऐसी कौन कौन सी यूनिट्स हैं? एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, और क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, मतलब एनर्जी, वर्क, हाँ, हीट एनर्जी। तो जितनी भी इस तरीके की ये चीजें, वो सारी सेम फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जिनके डायमेंशन सेम। 8 क्वेश्चन लास्ट बचता है इस असाइनमेंट का, मैं इसलिए करवा रहा हूँ जिससे मुझे होमवर्क पूरा प्रॉपर मिले, और जो तुम्हारा टेस्ट होने वाला है जल्दी से जल्दी, इसमें टेस्ट होगा उसमें तुम अच्छा परफॉर्म करो। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शुरुआत जो है वो खराब हो जाए। ए साइन ओमेगा और एक्स वाई वी माइनस, ठीक है, के, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, और इसमें पूछ लिया उसने डायमेंशन ऑफ के बताना है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि अंदर जो भी चीज रहती है ये पूरी रहती है, डायमेंशन लेस, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी कैसी है, दिस इज एंगल, और एंगल की डायमेंशन क्या होती है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो यहां ओमेगा एक्स वाई वी, सॉरी इधर ओमेगा के, और दैट शुड बी द डायमेंशन ऑफ ओमेगा के, एंड ये बराबर होना चाहिए एम जीरो एल जीरो टी जीरो के। ठीक है, तो अब हमें कुछ नहीं करना है। x क्या होता है, x लेंथ होती है, v क्या है, v इज द वेलोसिटी। तो हम ओमेगा की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ओमेगा की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, v अपॉन x, एंड दैट इज t माइनस वन। ओमेगा की डायरेक्शन सर, ओमेगा दिया गया है सर, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, सीधे यहीं से आ जाएगा। सो के शुड बी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा की डायमेंशन, और दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगल अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस वन, क्योंकि एंगल की तो कोई डायमेंशन ही नहीं है, तो ये बन जाएगा टी। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन। चलो हटा रहा हूं मैं इन सब चीजों को,
ठीक, अब क्या मुझे असाइनमेंट टू डिस्कस करने की जरूरत है या सारे क्वेश्चंस कर लोगे अब खुद से? जरूरत लग रही है अभी भी, आई थिंक कुछ तो कम हो जाएंगे अब डाउट्स कि पूरे ही रहेंगे। चलो एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, बस क्वेश्चन नंबर फोर जो मेरे को कॉमन दिख रहा है, बहुत से लोगों ने पूछा है, देखते हैं जरा। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ टाइम इन द सिस्टम इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर एंड यूनिट ऑफ मास इज केजी एंड यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी वेट। तो अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम किस किस पर डिपेंड कर रहा है इस सिस्टम में? इस सिस्टम में टाइम डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, मास पर और फोर्स पर। तो टाइम डिपेंड कर रहा है लेंथ की पावर एक्स पर, मास की पावर वाई पर और फोर्स की पावर जेड पर। दिस इज द टाइम डिपेंडेंसी इन द न्यू सिस्टम। अगर हम प्रोपोर्शनल को हटा दें, कांस्टेंट लगा दें, तो ये डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो ये बनेगा एम जीरो एल जीरो टी की पावर वन और यहां बनेगा एल की पावर एक्स, एम की पावर वाई और फोर्स क्या होता है एम एल टी माइनस टू की पावर Z। तो ये बना m0 l0 t की पावर 1 इक्वल टू l की पावर क्या बन जाएगा x प्लस z, m की पावर क्या बनेगा y प्लस z और t की पावर बनेगा माइनस टू z। यहां से कंपेयर करेंगे हम तो x प्लस z की वैल्यू 0, दिस इज इक्वेशन 1, y प्लस z की वैल्यू भी 0 इक्वेशन 2 एंड माइनस 2z इक्वल टू 1 दैट इज इक्वेशन 3। सो z इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। तो z अगर माइनस 1 बाय 2 आ गया तो y कितना आ गया 1 बाय 2 और y अगर 1 बाय 2 आ गया, अच्छा यहां से x भी आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस z तो ये भी 1 बाय 2। यानी जो मास यानी जो टाइम है उसका जो फॉर्मूला है वो बनेगा हमारा कॉन्स्टेंट l की पावर x, तो l की पावर 1 बाय 2, एम की पावर वाई यानी मास की पावर 1 बाई 2 और जो जेड है यानी फोर्स की पावर नीचे जाके 1 बाई 2। अब अगर हम मेजर करना चाहें तो लेंथ किसमें मेजर हो रही है 1 किलोमीटर, सॉरी यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ मास इज केजी एंड यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी वेट। तो कांस्टेंट की तो कोई डायमेंशन नहीं, लेंथ मीटर में मेजर हो रही है तो इसको लिखेंगे मीटर की पावर 1 बाय 2। मास किस में मेजर हो रहा है केजी में, तो इसको लिखेंगे केजी की पावर 1 बाय 2 और फोर्स मेजर हो रहा है केजी वेट, तो ये हो जाएगा केजी वेट की पावर 1 बाय 2। अब हो जाएगा ये क्वेश्चन सर, टी की डायमेंशंस आ गई सर? हाँ ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, टी की डायमेंशंस हो जाएंगी ना सारी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। यस सर। तो सीधे सीधे हम वो भी यूज कर सकते थे, फोर्थ इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, कोई दिक्कत नहीं है। और सीधे सर यूनिट सी रख दी हमने और कुछ भी नहीं किया, तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं बताने वाला हूँ, अब तुम लोगों को दिमाग लगाना है, शेयर करना है कैसे भी करके, लेवल टू अब तुम्हारे हवालों। क्लियर है? अब देखते हैं जरा कितने लोग कंप्लीट करके भेजते हैं, कितना दिमाग लगाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं लेवल थ्री, हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज सिर्फ दो ही लेवल करेंगे। और ठीक, अब आते हैं हम एरर्स पर। तो एरर्स के हमें कुछ क्वेश्चंस करना है, तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई थिंक सभी लोग रिवाइज कर लिए थोड़ा बहुत एरर्स। तो क्वेश्चन है कि आप फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, अ फिजिकल क्वांटिटी पी इज गिवन बाय p इक्वल टू a स्क्वायर इंटू रूट बी डिवाइड बाई सी एंड द परसेंटेज एरर
परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट्स, इन द मेजरमेंट्स ऑफ ए इज, ए का दिया हुआ है 1%, बी का दिया हुआ है 2%, सी का दिया हुआ है 4%. तो आपसे पूछा फाइंड द परसेंटेज एरर इन पी, बताओ जल्दी से आंसर. बताओ, वेरी गुड. अनुष्का का आंसर भी आ गया, दिव्यांश का भी आंसर आया, वेरी गुड. क्वेश्चन जरूर नोट डाउन कर लेना, इतनी ज्यादा जल्दबाजी भी ठीक नहीं है कि क्वेश्चन ही ना लिखो. बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया और बिल्कुल सही है. तो अगर हम देखें तो पी जो दिया हुआ है, ए स्क्वायर इंटू रूट बी की जगह हम क्या लिखेंगे, बी की पावर 1/2 अपॉन जो सी है उसको आप ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, सी की पावर -1. और जो तरीका हम लगाते हैं लॉग पी लेकर, और ये बन जाएगा 2 log a प्लस ये बन जाएगा 1/2 log b और ये बनेगा -log c. लेकिन एरर लिखते वक्त सबकी सब क्या हो जाएंगे, एड, क्योंकि हम करते हैं हमेशा मैक्सिमम. तो हमें क्या दिया हुआ है, देखो अब मैं इनटू 100 कर रहा हूं बोथ द साइड. तो डेल्टा ए बाई ए 100, ये क्या दिया हुआ है, डेल्टा ए बाई ए इनटू 100, दैट इज इक्वल टू 1%. तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2% प्लस 1/2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 दिया हुआ है 2%. ये हो जाएगा 2% प्लस डेल्टा सी बाई सी हो जाएगा 4%. तो यहां से टोटल कितना आ जाएगा, 7%. ये इसीलिए आवाज क्लियर नहीं है, कमेंट करके बताओ सर. कमेंट सर. हाँ बोलो सर. आपने जिसे क्वेश्चन करवाया सर, वैसा ये ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट में 6th वाला, वो सर 7th वाला सर. सर इसमें मैंने भी ऐसे किया है, पर जो आंसर है ना वो ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा है. चलो ठीक है, तब की तब देखेंगे, डिस्कस करेंगे, तब आराम से उसको डिस्कस करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, सारी चीजें होंगी. हमें ये ध्यान रखना है कि ये मेथड हमने जो लगाया, दिस मेथड इज एप्लीकेबल बिकॉज, क्यों है ये एप्लीकेबल, यहां पर एप्लीकेबल इसलिए है, एप्लीकेबल हेयर बिकॉज ऑल परसेंटेज एरर आर लेस देन 10%. ये बात याद रखना, सारे जो एरर्स दिए हुए हैं लेस देन 10% दिए हुए. हाँ बिल्कुल, इसलिए ये मेथड लगा पाए, वरना नहीं लगा पाते. चलो हटा रहा हूं मैं इस चीज को. अगर ये 10% से ऊपर चले गए तो फिर तुम ये मेथड नहीं लगा पाओगे. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज अ टेस्ट दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं. देखो, फॉर द टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अगर हमने इनको पैरेलली कनेक्ट कर दिया, फाइंड द रिलेटिव एरर इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इफ R1 जो एक रेजिस्टेंस है उसकी हमें वैल्यू दी गई है 50 ± 2 ओम, और जो R2 है उसकी हमें एक वैल्यू दी गई है 100, और इसमें एरर है ±3 ओम. ठीक है, सॉल्यूशन बताओ जरा,
कितना आएगा आंसर। पहले तो ये बताओ मुझे, क्या मैं इसमें वो वाला मेथड लगा सकता हूँ पार्शियल अप्रोक्सीमेशन वाला? नहीं लगा सकता। ओम बोल रहा है नहीं लगा सकते। लक्ष्मी बोल रहा है नहीं लगा सकते। अच्छा क्यों नहीं लगा सकते लक्ष्य? माइक ऑन करके बताओ। सर क्योंकि सर यहाँ परसेंटेज एरर वैसे दिया नहीं है और इनकी वैल्यूज भी, तो तुम नहीं निकाल सकते यहाँ से परसेंटेज एरर। अगर मैं परसेंटेज एरर पूछूं तुमसे, चलो बंद करो माइक, माइक बंद करो। परसेंटेज एरर अगर मैं आर वन में पूछ लेता हूँ तो क्या होता है? डेल्टा आर वन बाई आर वन इंटू हंड्रेड। तो डेल्टा आर वन कितना है? दिस इज डेल्टा आर वन और ये R1 की ट्रू वैल्यू है। तो R1 की ट्रू वैल्यू नीचे आती है और डेल्टा R1 ऊपर आता है, तो ये हो जाएगा 2 बाई 50 इंटू 100। कितना हो गया ये? 4%। 4 हो गया ना? हाँ 4% हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं परसेंटेज एरर इन R2 लगाऊं, तो डेल्टा R2 बाय R2 की जो ट्रू वैल्यू है इंटू 100। R1 की ट्रू वैल्यू, R2 की ट्रू वैल्यू, डेल्टा R2 कितना है? 3। और R2 की ट्रू वैल्यू 100 इंटू 100, ये कितना आ गया? 3%। ये दोनों ही लेस देन कितना है? 10%। सो वी कैन यूज हेयर पार्शियल अप्रोक्सीमेशन मेथड, पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड। तो बताओ जरा आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं पैरेलल के लिए? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। और अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूं तो जरा मुझे बताओगे क्या आएगा डिफरेंशिएशन? ऑन डिफरेंशिएट इट, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या बनेगा? माइनस 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू डी आर इक्विवेलेंट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर वन स्क्वायर इंटू डी आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू स्क्वायर इंटू डी आर टू। इस चीज को सोच लो, डिफरेंशिएशन करना आता है, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नोट डाउन करो इसको जल्दी से। आंसर देखते हैं हम, मुझे नहीं पता आंसर क्या आएगा इसका, पर 10.33 दिखा रहा है, मेरे पास 10.33 आंसर तो नहीं लिखा हुआ। रिलेटिव एरर पूछा है इन्होंने, रिलेटिव एरर पूछा है, ध्यान रखना, परसेंटेज एरर नहीं पूछा है। चलो ठीक है, ये नोट हो गया, डन भेजो डन। ये नोट करो जल्दी से, हाँ लिख लो आराम से, एक तरह लिख लो। टाइम दे रहा हूं मैं आपको 40 seconds। 0.0366 तनिष्क का आ रहा है आंसर। पॉइंट मेरा आंसर नहीं आ रहा है, तो ये किसी ने दिया तुम्हारे नाम से? अच्छा चलो देखते 0.036 कितने लोगों का आंसर आया है, दैट विल बी द राइट आंसर। तो देखो अब मेरे पास जो वैल्यू मिल रही है, मुझे जो इक्वेशन मिल रही है वो मिल रही है माइनस 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर वन स्क्वायर इंटू डी आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू स्क्वायर इंटू डी आर टू। ये एक्चुअल इधर डी आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा? आर इक्विवेलेंट की जो ट्रू वैल्यू होगी, फॉर द ट्रू वैल्यू फॉर आर इक्विवेलेंट ट्रू वैल्यू, ये कितनी होगी? आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, इन सबकी क्या ट्रू वैल्यूज? तो ट्रू वैल्यूज कितनी है? 50 इंटू 100 डिवाइड बाई 150, यानी कितना हो गया? 100 बाई 3। ये तो आर इक्विवेलेंट की ट्रू वैल्यू आ गई।
मुझे रिलेटिव एरर चाहिए, रिलेटिव एरर इन आर इक्विवेलेंट, जो कि किसके बराबर होगा, डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो ये चीज क्या लिखी हुई है, डेल्टा इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखो मैं कैसे लिखूंगा इस चीज को। फ्रॉम द इक्वेशन वन, फ्रॉम द इक्वेशन वन हम डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, इस आर इक्विवेलेंट को इधर ले जाओ, तो वन अपॉन आर वन स्क्वायर, सॉरी हाँ ये क्या दिया हुआ है हमें, डेल्टा आर वन अपॉन आर वन, और यहां से एक बचेगा वन अपॉन आर वन, और एक आर इक्विवेलेंट इधर ले गया। देखो जरा, डी आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट, और साथ में प्लस में इसी तरीके से ये आएगा, डेल्टा आर टू अपॉन आर टू इंटू आर इक्विवेलेंट अपॉन आर टू। और हमें क्या क्या पता है, हमें ये चीज पता है, ये चीज हमें पता है जो स्टार्टिंग में देखा था हमने। तो डेल्टा आर वन अपॉन आर वन है कितना, टू अपॉन फिफ्टी, ठीक है, इंटू आर इक्विवेलेंट कितना आया है, आर इक्विवेलेंट आया है हंड्रेड बाई थ्री, और आर वन कितना है फिफ्टी, इंटू फिफ्टी प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू, दिस इज डेल्टा आर टू और दिस इज आर टू, तो थ्री डिवाइड बाई, थ्री डिवाइड बाई हंड्रेड इंटू आर इक्विवेलेंट कितना है हंड्रेड बाई थ्री, ठीक, और आर टू कितना है हंड्रेड, ये आ गया हमारा रिलेटिव एरर इन आर इक्विवेलेंट, और ये सॉल्व करोगे तो मिलेगा 0.036। सर हाँ सर, आपने वहां पे फॉर आर इक्विवेलेंट ट्रू वैल्यू कैसे निकाला, सिंपल सा फॉर्मूला पैरेलल का, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। ओके सर, ओके सर, नोट करो इसको जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनों को समझ में आ गया जरा कमेंट्स करके भेजो। वेरी गुड, माइक का ध्यान रखो, माइक किसी का जी सर, प्रेम हियर, अपने माइक चेक करो। यस सर, एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी, बैच वन या बैच टू के बच्चों का, अगर जो भी बच्चे डाउट सेशन लेना चाहते हो फिजिक्स में, तो कल डाउट सेशन रहेगा, जैसे मैथ का हो गया है, बैच वन में तो हम रेगुलर डाउट सेशन दे रहे हैं, बैच टू में भी इसको कंबाइन कर रहे हैं, तो 10 से सुबह 11:30 रहेगा, तो कल का ऑफ रहेगा बैच टू की क्लास की 3:30 से 6:20, मैंने ग्रुप में मैसेज भी कर दिया है, हालांकि एच जे सर और डीपी सर का क्लास रहेगा वेटर एंड मोल का बैच टू का, बैच वन का ऑफ रहेगा, लेकिन बैच वन के लिए डाउट सेशन सुबह मॉर्निंग में एच जे सर का फिजिक्स में 10 से 11:30 के बीच में रहेगा, इसमें हम बैच टू को भी इंक्लूड कर लेंगे, मैं ग्रुप में जब लिंक भेज दूंगा सुबह 10 बजे, जो भी लोग अगर बैच टू के भी डाउट पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं, तो सर डाउट के लिए जो भी टॉपिक हो वो आपसे ग्रुप में बोल देना, ये शेयर कर देंगे। ठीक है सर, ठीक बिल्कुल, तो बैच वन और टू का डाउट सेशन रहेगा 10 से 11:30 फिजिक्स का। Okay. और टॉपिक स्क्रीन ब्लर हो रही है, फिर से ब्लर हो गई, एक मिनट चेक कर लेते हैं, रुको, सभी के साथ हो रहा है, सही हो गई, नो सर क्लियर है, हो गई, हां क्लियर हो गई, ठीक, तो ये डाउट है। हाँ सर, क्या हम इसे उस फॉर्मूले से नहीं कर सकते थे, डेल्टा एक्स मीन अपॉन एक्स मीन, डेल्टा एक्स मीन अपॉन एक्स मीन, तो डेल्टा एक्स मीन कहां से लाओगे, डेल्टा एक्स मीन कहां से लाओगे, तो सर हमें, अच्छा डेल्टा एक्स मीन, तो हम तो सीधा सीधा डेल्टा एक्स मीन बाय एक्स मीन निकाल रहे हैं, किसकी मदद से, पार्शियल एप्रोक्सीमेशन, या तो फिर तुम डेल्टा एक्स मीन निकालो पहले और फिर डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट करो, इससे अच्छा डायरेक्ट ही निकाल दो ना, रिलेटिव एरर ही तो चाहिए, अगर अकेला एरर चाहिए होता तो आर इक्विवेलेंट का मल्टीप्लाई कर देते तो अकेला एरर आ जाता।
हाँ बोलो सर, आपने जो फ्रॉम फर्स्ट के बाद जो फर्स्ट लाइन लिखी है वो समझ में नहीं आई, ये वाली लाइन? नो सर, फ्रॉम फर्स्ट ऊपर वाली? नो सर, नीचे मुझे सर, नीचे नीचे ये वाली? यस सर, ये तो मैंने यही लिखा है। देखो डी आर इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर इक्विवेलेंट, क्योंकि छोटी सी और नीचे आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर था, एक आर इक्विवेलेंट कहां भेज दिया, यहां पर भेज दिया। ओके सर, ठीक है, और आर वन स्क्वायर है नीचे भी और इधर भी आर टू स्क्वायर है, क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो कल डाउट सेशन है तुम्हारा 10 से 11:30 फिजिक्स का, जिसमें हम वेक्टर और यूनिट एंड डायमेंशन के डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। जिसका भी थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हुआ है कंसेप्ट या फिर कुछ क्वेश्चंस, वो आज ग्रुप पर सेंड करें मुझे, ठीक, जिसके अकॉर्डिंग फिर मैं कल डाउट सेशन प्लान कर पाऊंगा, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत आ रही है। अपने अपने डाउट्स और कंसेप्चुअल जो चीजें हैं जिनमें अनक्लियरिटी है उनको सेंड करो, उनको शेयर करो। चलो तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जाते हैं, दिस वॉज द एरर, ठीक है, और अब हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। माइक ऑन कर लो, माइक ऑफ कर लो जिसका भी ऑन है, चेक कर लो जरा। सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट इज द नेक्स्ट हेडिंग, सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर हम बात करें तो, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई वैल्यू दी जाती है, मान लो 2.303 दे दी, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है कि इस वैल्यू में कौन कौन सी डिजिट्स, द नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर सिग्निफिकेंट, मतलब विच आर इंपॉर्टेंट टू टेल टू अदर्स, ठीक है। तो जैसे यहां पर हमें ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है बताना, ठीक है, कि भाई सारी चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने एक एक्यूरेट मेजरमेंट किया है प्रिसाइज के साथ 2.303, तो हम ये बोलेंगे कि ये सारी डिजिट्स क्या हैं, इस पूरी वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। लेकिन ऐसी अगर मैं दूसरी वैल्यू ले लेता हूं, सपोज करो 0.064 किलोमीटर, ये मैंने वैल्यू ले ली। अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, डेफिनेशन हम बाद में देख लेंगे, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। डेफिनेशन क्या है, सिंपल सी, कि डिजिट्स इन अ वैल्यू विच आर इंपॉर्टेंट, विच आर इंपॉर्टेंट टू राइट, ठीक। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, 0.064 किलोमीटर की अगर मैं बात करता हूं, मान लो ये 0.064 मैंने किलोमीटर ले लिया, इसमें कितने डिजिट सिग्निफिकेंट है, क्या मुझे ये जीरो बताना जरूरी है या नहीं? तो देखो 0.064 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 64 मीटर। क्या लिख दिया हमने इसको, 64 मीटर लिख दिया, ठीक है, इनटू 1000 करके। तो ये जीरो किसी काम का था क्या, यहां पर हमने दिखाया ही नहीं, तो ये जीरो जो था वो इनसिग्निफिकेंट था, और ये 6 और ये 4 दोनों कैसे हैं, यहां पर सिग्निफिकेंट। तो यानी कौन कौन से डिजिट्स दिखाना जरूरी है, 6 और 4 दिखाना जरूरी है। तो 6 और 4 कितनी हो गई, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई इस पूरी वैल्यू में। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल अगर मैं लूं, ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, सपोज 1.013 किलोमीटर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ जरा इसमें कितनी डिजिट्स ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है बताना, 4। देखो कैसे, अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या लिखूंगा, 1013 मीटर। तो सारे डिजिट जो भी है, जो इधर डिस्प्ले हो रही थी वो यहां पर भी डिस्प्ले हो रही है, यानी ये सारे डिजिट्स क्या हैं, सिग्निफिकेंट है। तो अगर हम रूल्स की बात करें, रूल्स की, तो देखो कुछ रूल्स अगर हम समझे यहां से, तो यहां से समझ सकते हैं कि ये जो जीरो है जिसको हम लीडिंग जीरो बोलते हैं,
लीडिंग जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट, आर नेवर सिग्निफिकेंट, ये हम यहां से सीख सकते हैं। सेकेंड चीज क्या सीख सकते हैं हम, नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट्स जितनी भी हैं वो सारी सिग्निफिकेंट्स होती हैं। यहां पर भी दोनों दिख रही हैं नॉन जीरो, यहां पर भी जितनी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारी आएंगी यहां पर। थर्ड देखो जरा, थर्ड एग्जांपल, अच्छा सेकंड एग्जांपल से क्या सीखे हम, थर्ड रूल बना सकते हैं सेकंड एग्जांपल से कि द जीरो ट्रैप्ड, जीरो जो कि ट्रैप्ड है, जीरो ट्रैप्ड बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। यहां से सीख सकते हैं इस चीज को, ये जीरो बताना बहुत जरूरी है लेकिन ये वाला जीरो बताना जरूरी नहीं है क्योंकि यूनिट कन्वर्जन के साथ बदल जाएगा। तो अब जरा थर्ड एग्जांपल देखते हैं, बताओ जरा दिमाग लगाकर, 0.430 किलोमीटर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तीन तीन दिख रहे हैं, बिल्कुल तीन डिजिट्स दिख रहे हैं यहां पर। क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि देखो, अच्छा अब बता जरा, सोचो जरा, मैं ये आंसर ऐसा भी बोल रहा हूं, 0.43 किलोमीटर, अब बताओ जरा यहां कितने, यहां दो है यहां तीन है, रीजन बता सकते हो, यहां तीन है क्यों, यहां तीन है क्यों और यहां दो है, कौन बताएगा मुझे रीजन, याद कर रखा है बस है, समझा नहीं है सर, क्योंकि जीरो लीडिंग वो नहीं है, इसलिए बस ये रीजन दोगे, ये तो मैं रूल्स लिखवा रहा हूं तो मैं कंक्लूजन बनवा रहा हूं, समझे जरा कुछ कि इस जीरो को काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, यहां पर ये जीरो ये बताएगा कि ये जो रीडिंग ली गई है, दिस रीडिंग इज प्रिसाइज अप टू 3 decimal places और ये जो रीडिंग है, दिस रीडिंग इज प्रिसाइज अप टू 2 decimal places। तो अगर मैं ये जीरो लगा रहा हूं इसका मतलब है कि ये रीडिंग 3 decimals तक सही तरीके से मेजर की गई है और ये कहां तक की गई है, 2 तक। यानी ये जीरो क्या बता रहा है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रहा है कि ये वाली रीडिंग अच्छे इंस्ट्रूमेंट से ली गई है जो ज्यादा प्रिसाइज है, इसलिए दिस जीरो इज सिग्निफिकेंट। और यहां की तो हम कोई बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा तो मुझे बताओ कितना लिखूं, मीटर में चेंज करूंगा तो कितना लिखूं, 430 meters और यहां पर भी कितना लिख दूंगा, 430 meters। कमाल की बात देख रहे हो जरा ध्यान से, कमाल की बात देखो, यहां पर भी तीन दिख रहे हैं, यहां पर भी तीन दिख रहे हैं। अगर मैं तुमसे यहां सिग्निफिकेंट डिजिट्स पूछूं कितना बोलोगे, यहां पर तीन बोलोगे, ठीक है, यहां पर तीन बोलोगे, पर यहां कितना बोलोगे, यहां पर कितने सिग्निफिकेंट, 2 ही बोलोगे। This has a 2 significant digits. यहां पर 3 significant digits हैं और यहां पर 2 significant digits हैं। क्लियर? क्योंकि यहां पर हमें इसके प्रीवियस के बारे में जानकारी दी गई है। बिल्कुल ठीक है। देखो यहां पर अगर हमें ये नहीं पता होता कि ये वाली रीडिंग यहां से आई है तो हम ये नहीं बता पाते कि इसमें 3 होते या 2, लेकिन चूंकि हमें प्रीवियस के बारे में जानकारी थी तो हमने 2 ही बोले। ये 2 क्यों बोले हैं, बिकॉज वी हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स कन्वर्जन।
तो देखो यहाँ से, हाँ बोलो जरा क्या डाउट आया है सर। अगर 0.01 और अगर 0.1 लें तो वो भी प्रिसीजन ही बता रहा है, तो उस केस में फिर हम अगर ये केस लेंगे तो ऐसे तो 0.01 में 0 सिग्निफिकेंट होना चाहिए। सुनो जरा ध्यान से, ये जो चीज बता रहा है, देखो यहाँ पर हम ये जीरो क्यों नहीं बोलेंगे सिग्निफिकेंट, जरा ध्यान से देखो। ये अगर किलोमीटर में है और इसको मैं मीटर में कर दूंगा, ठीक है, तो एक्चुअल में बात तो बिल्कुल सेम ही कह रहा हूं कि भाई 0.064 किलोमीटर इज 64 मीटर, क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन यहां पर चीजें बदल रही है, देखो यहां 430 मीटर, यहां पर भी 430 मीटर, पर अगर मैं 0.430 किलोमीटर की बात करूंगा, 0.430 किलोमीटर, तो मेरे पास यहां पर, मैं इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूं सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इन दोनों में तो कंपेयर कर ही नहीं रहा, इन दोनों में जब मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर हो रहा है और ये सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हम कन्वर्जन, मतलब जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कंपेयर करते हैं तो सेम यूनिट्स में रखकर कंपेयर करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। तो अगर हम किलोमीटर किलोमीटर में मेजर करें सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक है और ये 2, ठीक है। लेकिन जब मीटर मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये 3 में है और ये 2 में है। ये कहां से पता चल रहा है 2 का, इसके प्रीवियस से। अगर ये छुपा लेता तो, ये छुपा लेता तो तुम इन दोनों में 3-3 बोल देते, गलत हो जाता, या 2-2 बोल देते, गलत हो जाता, ठीक है। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिल रहा है। हाँ आवाज कट रही, तुम्हें गई आवाज पूरी तरीके से। चलो अभी समझ, सर उसके इसमें भी तो 0.01 हमें ये तो बता रहे कि ये इतना प्रिसाइज है, तो सर यहाँ क्यों नहीं ले रहे हैं फिर जीरो सिग्निफिकेंट। देखो यहाँ पर अगर तुम 0.01 मीटर कर रहे हो और ये 0.1 मीटर कर रहे हो, ये चीज समझ रहे हो ना तुम, ये क्वेश्चन करना चाह रहे हो ना कि यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 क्यों नहीं है, यही पूछना चाह रहे हो। Yes, हाँ ठीक है। तो इस चीज को अगर हम देखें तो मुझे बस इतना बताओ, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, मान लो इसको लिख दूंगा मैं 1 सेंटीमीटर, और इसको लिखता हूं मैं, ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये बता सकते हो मुझे 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर में कितने डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट, 1 सेंटीमीटर में कितना है 1 और 10 सेंटीमीटर में कितने सिग्निफिकेंट्स हैं, 10 सेंटीमीटर में कितने 1, बिल्कुल। तो हम यहां पर भी 1 बोल रहे हैं और यहां पर भी 1 बोल रहे हैं। देखो जरा ध्यान से, अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात की जाए तो वो कभी भी यूनिट कन्वर्जन के साथ नहीं बदलते, इसीलिए जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स इस यूनिट के साथ हैं वही इसके साथ भी होने चाहिए। और यही तरीका हमने यहां पर भी लगाया कि भाई जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स मैं इसके बोल रहा हूं 3, तो वो 3 इसके भी हैं फिर, और अगर मैं इसके 2 बोल रहा हूं तो इसके भी 2 हैं। तो हम यहां से चौथा रूल क्या लिख सकते हैं कि व्हाइल कन्वर्जिंग द यूनिट, व्हाइल चेंजिंग द यूनिट, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डजंट चेंज। तो मैं तो ये चीज यहां पर भी बोल रहा हूं, बिल्कुल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिपेंड करेगा लीडिंग जीरोस पर। इन जीरोस को क्या बोलते हैं जो लास्ट में आता है, लीडिंग जीरोस। तो अभी मैं एक और रूल बताऊंगा, पहले ये 4 रूल लिख लो जल्दी से और ये एग्जांपल्स लिखो, ये एग्जांपल्स लिख लो और ये रूल्स है कुछ जो यहां से हम बनाते हुए चल रहे हैं। रूल्स को रटना नहीं है, समझना है इन एग्जांपल्स की मदद से।
रटने जैसी कोई चीज नहीं होती फिजिक्स में, याद कर लिया कि हाँ भैया नॉन जीरो डिजिट्स दो के बीच में सिग्निफिकेंट होते हैं। अरे क्यों होते हैं, उसका रीजन है। हाँ लास्ट रो रिपीट करा दो, लास्ट रो रिपीट करा देता हूं, बिकॉज वी हैव इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स कन्वर्जन। फोर्थ वन में हम ये कह रहे हैं कि 0.43 किलोमीटर को जब मीटर में करेंगे तो 400। फोर्थ रूल, अच्छा फोर्थ रूल ये है, वाइल चेंजिंग द यूनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डजंट चेंज। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, आवाज माइक अननेसेसरी ऑन मत रखो सर। हाँ सर, मेरा डाउट ये था कि सर जैसे हम, आपने प्रिसीजन के बारे में कहा था और हाँ, प्रिसीजन हाँ। के बेसिस पॉइंट, जो हमने 0.01 और 0.1 देखे हैं, तो ये भी हमें प्रिसीजन के बारे में ही पता रहा है कि ये 0.01। ऐसे तो तुम इसको 0.10 मीटर लगा लो, ऐसे इसको 0.10 मीटर लगा लो, तो क्या मैं इस जीरो को फिर नहीं बोल दूंगा मैं प्रिसीजन? सोचो इस बारे में, समझ गए? चल yes. तो इसी, हाँ तो प्रिसीजन कब देखा जाएगा, जब लीडिंग जीरोस बढ़ते हैं तब देखा जाएगा। ये वाले में प्रिसीजन नहीं देख रहे हैं। देखो अब जरा ध्यान से देखो, मैं एक और रूल बता रहा हूं उसको भी हम समझ गए हैं कि जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं, जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं छोटा सा, मैंने ले लिया 4330 मीटर, 4300 मीटर, बताओ भाई कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कमेंट करो। 4300 मीटर में दो सिग्निफिकेंट, एक बोल रहा है चार, और एक एग्जांपल मैंने ये ले लिया 4300 डॉट, यहां लगा दिया मैंने क्या डॉट मीटर, इसमें कितने हैं, इसमें चार और इस वाले में दो, इसका आंसर बिल्कुल सही है, ये दो आएंगे और ये चार आएगा, क्योंकि ये डॉट का मतलब क्या होता है, इसको आपने एक्यूरेटली मेजर कर लिया और ये हो सकता है मे बी राउंड ऑफ, ये आपने क्या किया है, ये हो सकता है कि आपने राउंड ऑफ फिगर करके दे दिया कि भाई 4299 आया, तुमने 4300 कर दिया, तो सिग्निफिकेंट कितने रहे, सिर्फ यही दो तो रहे, बाकी ये लास्ट के दो तो कोई काम के ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेलिंग जीरोस है, अब देखो रूल बन गया है यहां से सर, लेकिन 4299 में तो चार है ना सिग्निफिकेंट, मैं इसकी बात कर रहा हूं लास्ट वाले जीरोस की बात कर रहा हूं कि ये जीरोस कैसे बन सकते थे, या तो तुम 4301 से 4300 जा सकते हो या 4299 से 4300 जा सकते हो, तो ये दोनों जो डिजिट्स हैं ये तो इनसिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि ये तो कभी भी बदल सकती हैं, कोई एक्यूरेट थोड़ी है, एक्यूरेट ये है, ये एक्यूरेट है, क्योंकि यहां पर ये डॉट बता रहा है कि ये एक्चुअल में एक्यूरेट रीडिंग है। तो इस वाले के लिए जो रूल बनता है, इस वाले के लिए जो रूल बनता है, रूल नंबर 6 बोल सकते हैं कि भाई ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं, ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, क्योंकि वो तो कभी भी चेंज हो सकते हैं। फोर थ्री जीरो जीरो पॉइंट वन थ्री, बिल्कुल, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, 4300.13 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, हाँ? तो ये रूल बहुत जरूरी है, लिख लो सिक्स्थ रूल, अब पता है तुम्हें, अब जो नोटेशन यूज होने लगा, हाँ अब देखो जरा साइंटिफिक नोटेशन, अब हेडिंग डालेंगे हम साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन, सिक्स्थ रूल क्या है,
जो लास्ट वाले जीरोस होते हैं इनको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस, दीज आर ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नॉट डेसिमल, इफ देयर इज नॉट डेसिमल। और अगर यहां पर डेसिमल, हाँ अगर यहां पर डेसिमल लगा देता जैसे सपोज ये वाला कर देता हूं 4.3006 या 4.300, 4.300 में ये जो ट्रेलिंग जीरोस हैं, ये बताओ मुझे सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे? ये सिग्निफिकेंट होंगे, हाँ बिल्कुल ये जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि पॉइंट के बाद 3 decimals तक मेजर हो रहा है। इसका मतलब है 7th rule ये बन सकता है कि ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है, विथ डेसिमल बिकम सिग्निफिकेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, उसके अकॉर्डिंग हमने रूल्स तो बना दिए। हालांकि रूल्स अगर आप पढ़ोगे काम बन जाएगा, लेकिन ऐसे रूल्स बने क्यों, कैसे आया, उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है सर। हाँ बताओ सर, आपने जो भी पहले एग्जांपल लेके बताया था 0.01 और 0.1, हाँ तो आपने है ना 1 सिग्निफिकेंटिटी बताया था, हाँ 0.01 में, हाँ? लेकिन यहाँ पर ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल है ना, तो यहाँ पर कोई ट्रेलिंग जीरोस हैं क्या? वो आफ्टर डेसिमल जीरो तो है। अरे ट्रेलिंग जीरोस का क्या मतलब होता है? जो बिल्कुल सबसे लास्ट में आते हैं, ये नॉन जीरो डिजिट के पहले है, तो इस वाले को क्या बोलेंगे? लीडिंग जीरो। ओके सर, ट्रेलिंग जीरोस का मतलब होता है जो नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में आएंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये जो चीजें हो रही, जैसे अगर मैं ये बात करूं तो एग्जांपल लेकर, तो ये जो जीरोस हैं, ये वाले जो जीरोस हैं, ये जीरो तो किस लिए शो होता है? ये जीरो सिर्फ शो करता है डेसिमल वैल्यू के लिए, कि भाई एक डेसिमल वैल्यू है, तो इसका कोई अपने आप में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और ये जीरोस कैसे हैं? दीज आर लीडिंग जीरोस, इनको हम क्या बोलेंगे? लीडिंग जीरोस। तो लीडिंग जीरोस क्या होते हैं? इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि ये यूनिट के बदलते से ही चले जाते हैं। यूनिट बदलोगे ये लीडिंग जीरोस खत्म, लेकिन ये जो ट्रेलिंग जीरोस हैं ये जरूरी है। तो ये जो ट्रेलिंग जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट है, यहां पर आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए यहां पर? 1 और 2, टोटल हो गए 3। बिल्कुल, इट शोज प्रिसीजन, वेरी गुड। अब आया थोड़ा सा समझ में, यहां रटने वाली चीजें नहीं है, मजा नहीं आता उसमें। ये बताओ ना कि क्यों सिग्निफिकेंट है, तब आता है मजा। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं यूनिट बदलूंगा तो ये जीरोस गायब हो जाएंगे। चलो हटा रहा हूं मैं अब इस चीज को। तो अब बात करते हैं जरा साइंटिफिक नोटेशन की, साइंटिफिक नोटेशन। तो एक एग्जांपल लिया था हमने साइंटिफिक नोटेशन में, मैं कैसे क्यों करना जरूरी है साइंटिफिक नोटेशन, क्या होता है? पहले सिंपल सी बात सुन लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यू इन द फॉर्म a into 10 to the power b, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट टू अवॉइड द कंफ्यूजन इन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स,
देखो जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हर एक डिजिट की इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है, प्रिसीजन की इम्पोर्टेंस होती है, डेली लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है लेकिन एक्सपेरिमेंट्स करते समय इम्पोर्टेंस होती है, तो उसके लिए हमें जो वैल्यूज का रिप्रेजेंटेशन करना होता है वो साइंटिफिक नोटेशन में ही करना होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं अगर, तो सपोज करो मैंने एग्जाम्पल ले लिया 0.430 किलोमीटर और 0.43 किलोमीटर। जब मैंने इसको मीटर में चेंज किया तो ये बनेगा 430 मीटर, ये भी बनेगा 430 मीटर। तो अगर हम देखें तो इसमें तीन तीन दिखने लग गए। अगर हम इसको सिर्फ इनको देखें, बाय सीइंग ओनली 430 मीटर इन बोथ एग्जांपल्स, वी विल से द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 3 or 2। कुछ भी बोल सकते हैं, 3 भी बोल सकते हैं या 2 भी बोल सकते हैं, बट वी नो दैट जो फर्स्ट वन हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, एंड द सेकेंड वन हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जो चीज है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलने चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर कंफ्यूजन हो गया तो फिर इसका क्या मतलब निकला, फिर तो ये इंस्ट्रूमेंट भी उसी के बराबर हो जाएगा जो ये इंस्ट्रूमेंट है, बल्कि ये इंस्ट्रूमेंट तो हम जानते हैं ना कि ज्यादा प्रिसाइज है। तो इसके प्रिसीजन को बताए रखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन में नोट डाउन करेंगे दोनों चीजों को। तो इसको क्या लिखेंगे जरा देखो ध्यान से, 4.30 इंटू 10 to the power, कितना कर दूं, 10 to the power 2 किलोमीटर, कितना हो गया ये, माइनस वन। इसको कितना लिख सकते हैं, 4.30 इंटू 10 to the power -1 किलोमीटर। और इसी तरीके से मीटर में अगर करना है तो मैं इसको लिख सकता हूं, किलोमीटर को कर दूंगा किसमें, मीटर में, तो क्या लिखूंगा मैं, 4.30 इंटू 10 to the power 2 मीटर। तो अब जरा देखो ध्यान से, सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें भी उतनी ही है जितनी की इसमें, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, एंड दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन। ये होता है साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में देखकर आप बता सकते हो कि ये कितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट से मेजर हुआ है। हाँ बताओ एकता, और इस जो ये वाला जो 430 मीटर था, जैसा कि हम यहां पर देख पा रहे हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो साइंटिफिक नोटेशन भी कैसा आना चाहिए जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हों। तो कितना लिखेंगे हम, लिखेंगे 4.3 इंटू 10 to the power -1 किलोमीटर। अभी देखते हैं एकता, मैं थोड़ा देख नहीं पाया तुम्हारा कमेंट, ठीक है, और इसी चीज को अगर लिखना चाहो मीटर में तो मीटर में कितना बनेगा, 4.3 इंटू 10 to the power -1 प्लस 2 मीटर। तो देखो अब तुम क्लियरली विजिबल कर पा रहे हो कि यहां 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यहां पर भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और यहां पर भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन करते वक्त समझ में आ जाता है कि कौन सा सिग्निफिकेंट इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है। सर हाँ, सर आपने जो 430 मीटर के इक्वल्स 2 की साइड में लिखा है वो समझ में नहीं आया कैसे हुआ? चलो देखो जरा, ये समझ नहीं आया ये वाला? यस सर। क्या किया है हमने, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। यस सर। 3 और माइनस 1 कितना हो गया, 2। सर पर वो 4.30 इनटू 10 to the power -1 कैसे हुआ? जी कैसे हुआ, 0.430 को क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ,
4.3 into 10 to the power minus 1. Okay sir, okay sir. Divide by 10 करूंगा तो डेसिमल सरक जाएगा, ठीक है? तो ये चीज अभी आप नोट कर लो, कल हम इसके बारे में और डिस्कस कर लेंगे. आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स की जरूरत क्यों है. क्योंकि यहां पर भी दो देखेंगे, यहां पर भी दो और यहां पर भी दो. तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स ये बताता है कि ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर हुआ है. तो साइंटिफिक नोटेशन लिखना जरूरी है. बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ये नोट डाउन कर लो पहले. मैं नीचे वाली चीज फिर से लिख देता हूं अलग से, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो. मैं नहीं चाहता कि इन चीजों के कारण कंफ्यूजन पैदा हो, इसलिए अलग से लिख देता हूं. We can say, we can confuse in counting number of significant digits. It can be 2 or 3, but we know in first number of significant digits are 3 and in 2 they are 2. Scientific notation क्यों जरूरी है? जिससे कि हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स को देख पाए. जैसे अगर 4.30 लिखा है साइंटिफिक नोटेशन में, इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट के बाद दो डेसिमल्स तक मेजर हुआ है और ये पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल तक, ठीक है? थैंक यू. तो यहां पर हम खत्म करते हैं. बाकी होमवर्क का ध्यान रखना. हाँ, होमवर्क का ध्यान रखना. आपको भेजना है 10 बजे तक. किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो अभी, ठीक है? बाकी पढ़ते रहो. एफिशिएंसी कभी डाउन मत होने देना. अपना ध्यान रखो हेल्थ का. कोई भी डाउट आए, कोई भी सपोर्ट की जरूरत पड़े, वी आर ऑलवेज देयर. तो थैंक यू वेरी मच.